जो भी पल है पास हमारे, दिल खोल कर जी लो। पता नहीं आने वाला पल हमारा हो ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी हरियाली तीज फ्रेंड्स। तो आज जो मैं व्लॉग लेके आई हूँ, ये हरियाली तीज का है। आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग को ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं करते हैं, बाकी तो मेरे फ्रेंड जो रेगुलर वाले हैं वो तो ज़रूरी करते हैं। तो शुरुआत मैं कर रही हूँ यहाँ पर तैयार होने से। तो मैं तैयार हो जाती हूँ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और सृष्टि गई है अपने पापा के साथ मार्केट, कुछ पूजा का सामान लेना था उनको। तो मैं वही रेडी होकर उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो सामान लेके आ जाएंगे पूजा का, तो उसके बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और सृष्टि भी आ गई है सामान लेके, और जो मैंने पूजा करने के लिए सामान मंगवाया था वो भी ले आई। और मैंने थोड़ा सा श्रृंगार का सामान मंगवाया था, पहले मैं पूजा करूँगी तो चढ़ा दूँगी, और उसके बाद ही फिर मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने देसी घी का दिया जला दिया है, और मैंने रख दिया है फल में अमरूद रखा है मैंने, और फूल है, फूल मैंने अपने घर से ही तोड़ लिए थे। और सबसे पहले मैं कलावा चढ़ा रही हूँ फ़ोटो पर, और बस ऐसे ही मैं पूजा करूँगी, आप लोग देखते रहिए। तो फटाफट मैं कर लेती हूँ पूजा। ये हरियाली तीज का व्रत जो होता है, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, और इसको कुंवारी लड़कियाँ भी रख लेती हैं। जो लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं, मतलब 18 साल के बाद, वो अच्छा पति पाने के लिए भी व्रत रखती हैं। लेकिन इसको जो जेंट्स लोग होते हैं, लड़के, वह नहीं रखते हैं, क्योंकि जो सावन के सोमवार होते हैं वो तो रख लेते हैं, बट ये हरियाली तीज का व्रत सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही रखती हैं, और इसको जेंट्स नहीं रख सकते हैं। और बहुत अच्छा व्रत होता है, इसमें स्त्रियां जो होती हैं सभी 16 श्रृंगार करती हैं, और शंकर पार्वती जी की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना करती हैं, घर में खुशहाली बनी रहे। बहुत अच्छा लगता है, झूला भी झूला जाता है, मेहंदी लगाती हैं, और हरियाली तीज के गीत गाए जाते हैं। बट हमारे यहाँ अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ उस व्रत को, और मेरी बेटी, बच्चे, बस हम सब मिलकर ऐसे इंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए पूजा हो गई है, और मैं अपने पति से कह रही हूँ कि आप सिंदूर लगा दीजिए, क्योंकि कोई भी फास्ट मैं रखती हूँ, चाहे करवा चौथ हो या कोई भी ऐसा फास्ट होता है, तो मैं सिंदूर हमेशा अपने पति के हाथों से ही लगवाती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे सिंदूर लगा दिया है, और बस मेरी पूजा हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा सर दर्द होने लगा है, तो थोड़ा चाय बना के पीऊँगी मैं, और खाना भी बनाना है, अभी मैंने बनाया नहीं था, तो मैं सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी जा कर के किचन में। और फिर आ गई थी मैं खाना बना कर के, मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो बस फ्रेंड्स, बस आज का ब्लॉग यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।